वरसादी घट वच्चे खेडूतो माटे माठा समाचार। आगामी पांच दिवस राज्य में नहिवत वरसादनी हवामान विभाग की आगाही है। 15 ऑगस्ट सुधी सारा वरसादनी शक्यता नहिवत है, त्यारे गुजरात में हजू पण 41% वरसादनी घट है। सारा वरसाद माटे खेडूतोए हजी राह जोवी पड़शे। चोमासू पाकनु वावेतर कर्या बाद खेडूतो कागडोळे वरसादनी राह जोई रह्या छे, परंतु वरसाद खेंचाता खेडूतोनी चिंता वधी छे। त्यारे हवामान विभागे पण खेडूतोनी मुश्किल वधारती आगाही करी। हजू आगामी पांच दिवस सुधी राज्य में भारे वरसाद की कोई शक्यता नहीं, जेथी 15 ऑगस्ट सुधी हजू खेडूतोए सारा वरसाद माटे राह जोवी पड़शे। जो वरसाद वधु खेंचाय तो चोमासू पाक निष्फळ जाय तेवो खेडूतोने भय छे, त्यारे वहेली तके मेघराजा मेहरबान थाय तेवी खेडूतो प्रार्थना करी रह्या छे। हाल तो हवामान विभाग की आगाही प्रमाणे खेडूतोनी चिंता वधी छे। अभी गुजरात में ज़्यादा बारिश होने का संभावना नहीं है। मोस्टली नॉर्थ गुजरात कच्छ ड्राई रहेगा और साउथ गुजरात में और कोस्टल सौराष्ट्र में छुटपुट बारिश होने का संभावना है। और कल परसों नॉर्थ गुजरात में भी लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है, लेकिन अभी ज़्यादा रेन मिलने का कोई संभावना नहीं है और सिस्टम नहीं है। अभी 15 अगस्त तक बारिश ज़्यादा नहीं रहेगा गुजरात स्टेट में। 51% डेफिशिएंट है गुजरात स्टेट एज ए होल, काफ़ी डेफिशिएंट है, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए आज तक तो ठीक था। अभी जो डेफिशिएंट रहेगा, अभी आगे बारिश होने का संभावना नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल तो रहेगा। कल मोस्टली एक वेट स्पेल का बाद एक ड्राई स्पेल भी आता है, लेकिन गुजरात में अभी 29 जुलाई तक भी बारिश था। अभी ये हफ्ते में बारिश नहीं है, अगले हफ्ते में भी बारिश नहीं है। जब ड्राई स्पेल, कभी कभी ड्राई स्पेल 7 दिन का होता है, कभी कभी नियरली 15 डेज भी होता है ड्राई स्पेल। ये नया नहीं है, ड्राई स्पेल होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गुजरात में इस साल ज़्यादा बारिश नहीं हुआ है, लेकिन 3 स्पेल हुआ है। वो जो 3 स्पेल हुआ है अच्छा रेन हुआ है और एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा था। अगस्त का सेकेंड वीक का बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज ऑफ नाउ तो कुछ सिस्टम नहीं है जो बारिश